फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू टेल यू कि इफ़ यू आर चेंजिंग द बूट ऑप्शन एंड ऑटोमेटिकली इट कन्वर्टेड इनटू योर हार्ड डिस्क नेम इंस्टीड ऑफ विंडोज बूट मैनेजर। दोस्तों, जब भी आप इसको तो आप अपनी हार्ड डिस्क की जगह पे यहाँ पे जब भी ये बूट मैनेजर PO कोई भी आपकी हार्ड डिस्क का नाम है इस वाले पे करते हैं, इफ़ यू आर डूइंग ऑन दिस इट इज़ ऑटोमेटिकली चेंजेस इनटू दिस। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस? नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस। गो बैक, गो टू सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी टैब, गो टू सिक्योरिटी टैब, this is the boot tab and go to security tab, search the security tab and search for secure boot menu। ये देखो secure boot menu को आपने select करना है, यहाँ पे press enter, इस पर enter मार दीजिए। it is a secure boot control, इसको enable है ना, do it disable, the secure boot control is enable, convert this into disable, press enter, this is disable, now the secure boot control is disable, read what is the secure boot control saying, secure boot flow control, secure boot can be enabled only when platform key PK is old with platform is operating in user mode and CMS function is disabled in setup। फ्रेंड्स, कहना कि आप इन्हें मैनेज करना है तो ये वाला ऑप्शन होता है, जबकि डिसेबल करने पे क्या होता है कि जो भी बूट विंडो बूट मैनेजर है, जो कि अब नई टेक्नोलॉजी है जिसमें विंडो बूट मैनेजर के थ्रू होना चाहिए, वो होता है। अब आप इसको करके जैसे ही मैं इसको दिखाऊंगा आपको बाहर चले जाएंगे, इसमें आपने जाना है, फिर आपने बूट में दोबारा जाना है, और अगर आपने इसको यहाँ पे ये विंडो बूट मैनेजर नहीं किया तो नाउ कन्वर्ट दिस इनटू विंडो बूट मैनेजर। नाउ द फर्स्ट इज विंडो बूट मैनेजर, सेकंड इज योर हार्ड डिस्क नेम। नाउ गो टू सेव एंड एग्जिट, दिस इज वेरी इजी यू नो, एंड सेव चेंजेस एंड रीसेट, टेक द कर्सर हेयर, प्रेस एंटर, देन सेव कॉन्फ़िगरेशन, से यस, यूज द एरो की, यस एंड देन प्रेस एंटर। नाउ यू इजीली सी that the boot menu comes in the normal way। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरा boot menu normal way पे आ गया, क्योंकि because मेरे पास दो operating systems हैं, Windows 10 volume 1 and Windows 10 volume 3 double dual booting है। तो इसको ध्यान नहीं दें, if I press enter then I will boot from this volume, I am pressing enter, now you see the desktop has come। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बावजूद भी नहीं होता है, आपको ऐसा करने के बाद भी आपको ये option नहीं मिलता है, then I am telling you another thing।